एक्सेस प्रेशर के अंदर व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल बबल, क्या निकालना है प्रेशर इनसाइड. रेडियस आपको गिवन है, कहां पे है, जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस ऑफ वाटर होना चाहिए, सरफेस ऑफ वाटर ऐसे ये होना चाहिए. ये सिग्मा कर लेना, 2 सिग्मा बाय आर है, करेक्शन है. तो ये बताओ कि अगर कोई बबल पानी की जस्ट सरफेस के नीचे है तो प्रेशर इनसाइड माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2T/R, क्योंकि बबल कहां पर है, पानी की जस्ट सरफेस के नीचे है. तो आपको प्रेशर इनसाइड निकालना है विच विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T/R. तो ये पता है, ये पता है और ये पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना रेडियस को, सब कुछ ऐसे सिस्टम ले लेना, प्रेशर इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी. मेथड समझ में आ रहा है? तो इसमें ये गिवन है कि बबल जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है यहां तक. और यहां करेक्शन, अगर सॉल्यूशन देख रहे तो यहां करेक्शन आएगी, सिग्मा, 2 सिग्मा बाय आर. ये देखना इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्या गिवन है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल. तो पी एक्सेस इज इक्वल टू बैलेंस्ड बाय 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल, यानी कि एच रो जी फॉर ऑयल. प्रेशर ऑफ ऑयल क्या होता है, एच रो जी ऑफ ऑयल. तो एक्सेस प्रेशर इसके इक्वल है, और ये किसकी बात कर रहा है, बबल की. तो बबल कहां पर है, बबल तो एयर में ही है, वाटर बोला ही नहीं इसने. तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 4T/R इज इक्वल टू एच ऑयल जी. आपको इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन निकालनी है, आपको इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है 6 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. हाइट गिवन है इसमें कितनी, 2 mm, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. डेंसिटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की 0.8 है, इज डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ ऑयल भी कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है. इसको यहां पुट करके, जी पुट करके क्या निकाल लेंगे, सरफेस टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो मेथड समझ में आ रहा है? तो एक्सेस प्रेशर पे बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होता है, तो स्पेशली न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कम मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यूज होता रहेगा, ठीक. मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है? सबसे ज्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम वही थी, बबल अगर पानी में ले जाए, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो सीधा फॉर्मूला ही तो है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है यहाँ तक.